मेरे सभी सब्सक्राइबर और मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्ते। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्यारी सी क्रिस्पी भजी की रेसिपी, जो देखिए कितनी अच्छी बनी है। एकदम लग रहे हैं ना गोलगप्पे और पानी पूरी जैसे, ये घर पे बनाए हुए हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और ये बाजार में मिलने वाली भजी और जो बटाटा भजी मिलती है उससे भी अच्छी और टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। आप इसे जरूर घर पे ट्राई करना। तो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के बढ़िया सी भजिया। तो आपको मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बेसन को अच्छे से घोल के इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। और मैंने आलू को भी एकदम पतले पतले चिप्स के जैसे काट लिए हैं गोल। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है। तो हम पहले इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा भी डालेंगे, जिससे कि यह बहुत अच्छे बने। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा। अब हम इसे अच्छे से आपस में इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया। इसे ज्यादा पतला भी ना करें और ज्यादा गाढ़ा भी ना करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने तेल गरम करने रख दिया है और ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें इसको एक एक करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल ले लिया है। अब हम इसमें ये एक एक करके डालेंगे इनको। तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल के तैयार हो रहे हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे तरह से। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं और इनका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इन्हें फिर से ऐसे इसमें डाल देंगे इनको। आप एक बार ऐसे बना के देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से पका लें। ये बहुत ही बढ़िया फूलते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं।
और देखिए यह दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बाजार में मिलने वाली भजी से भी अच्छे बनते हैं घर में ये। आप एक बार इसे जरूर ऐसे ट्राई करना और आप इसे ट्राई करके खा के देखना और फिर मुझे आप अपने कमेंट द्वारा बताना कि यह कैसा बना है। ये भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए यह कितने अच्छे बने हैं। आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी लिया है, आप भी ले सकते हैं उसको। तो अब मैं आपको बताऊंगा खा के। ये बहुत टेस्टी बना है। आप इसको जरूर से ट्राई करना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।